चलो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट के बारे में बात कर रहे थे प्रीवियस क्लास में कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट क्या है। उससे अपन ने बताया था कि सॉल्ट की नेचर क्या रहती है, एसिडिक होती है, बेसिक होती है या फिर न्यूट्रल होती है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट मीन्स क्या है कि कोई भी आपके पास सॉल्ट है उसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, वाटर के साथ कराओगे। वाटर के साथ करवाने पर आपको क्या मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट एसिड प्लस किसका फॉर्मेशन होगा आपके पास, बेस का फॉर्मेशन होगा ना, उसको अपन कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। अब अपने को पीएच कैलकुलेट करनी है। कोई भी आपके पास सॉल्ट आ जाए, यानी कि सॉल्ट अपने पास टोटल कितने टाइप के थे, 4 टाइप के थे। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये 4 टाइप के अपने पास सॉल्ट थे। और अपने को एक बात बताया कि ये जो सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट, इसकी पीएच हमेशा कितनी रहती है, 7 रहती है। मींस ये जो आपके पास सॉल्ट है वो कौन सा सॉल्ट रहता है, न्यूट्रल सॉल्ट। इसकी अगर पीएच की बात करें तो इसकी पीएच जो है वो आपके पास लेस देन 7 होती है। और पीएच अगर लेस देन 7 हो तो सॉल्यूशन अपने पास कौन सा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो पीएच आपके पास ग्रेटर देन 7 रहती है और सॉल्यूशन आपके पास कौन सा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। मैंने कल आपको बताया था कि पीएच स्केल के बारे में कि अगर पीएच 0 to 6.9 के बीच में रहेगी तो वो आपके पास क्या रहेगा, एसिडिक। अगर 7 रहेगी तो आपके पास क्या होगा, सॉल्ट। और 7 रहेगी तो आपके पास क्या होगा, न्यूट्रल। और 7 से ज्यादा होगी तो वो आपके पास क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। अगर फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट की बात करें, वीक एसिड और वीक बेस का अगर आपके पास कोई सॉल्ट है तो वो कौन सा होगा, न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा। वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिसोसिएशन पे। अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू ज्यादा हो किससे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस से, तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन और सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा, एसिडिक। अगर Ka मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की वैल्यू कम हो किससे, Kb यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस से, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन लेस देन होगी किससे, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन से, और सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और अगर आपके पास Ka यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस की वैल्यू इक्वल हो एक दूसरे के, मींस सॉल्यूशन में क्या होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन एक दूसरे के इक्वल होगी, तो सॉल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो वीक एसिड वीक बेस का कोई भी आपके पास सॉल्ट आ जाए तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा, वो एसिड या बेस के डिसोसिएशन पे डिपेंड करेगा। अगर एसिड का डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेस का डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है तो सॉल्यूशन आपके पास बेसिक होगा, और अगर दोनों का डिसोसिएशन इक्वल हो रहा है तो सॉल्यूशन आपके पास क्या रहेगा, न्यूट्रल होगा। तो आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट की पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। अभी तक अपने को एक ही बात बताया कि पीएच इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। ये चीज पता है कि ये पीएच कोई भी आपके पास एसिड आ जाए, कोई भी आपके पास बेस आ जाए, तो बेस आता है तो क्या करते हैं कि अपन पीओएच कैलकुलेट कर लेते हैं। वो क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ आपके पास क्या आ जाता है, ओएच माइनस आयन। ये पीएच का और पीओएच का फॉर्मूला है। अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई सॉल्यूशन आ गया, मैंने आपको बताया था कि दैट कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, वो नॉर्मेलिटी के इक्वल होता है। और ये नॉर्मेलिटी गिवन होती है कि जैसे आपके पास कोई सॉल्यूशन आ गया उसमें नॉर्मेलिटी 0.1 एन गिवन है, तो ये ही उसकी क्या होगी, आपके पास एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है। अब अगर आप दो अलग अलग सॉल्यूशन को मिला रहे हो, यानी कि एक की नॉर्मेलिटी आपके पास एन वन है और एक की नॉर्मेलिटी आपके पास एन टू है, एक का वॉल्यूम आपके पास V1 है, एक का वॉल्यूम आपके पास V2 है, और मिलाने पर यानी कि सॉल्यूशन, इन दोनों सॉल्यूशन को आप मिक्स कर रहे हो, मिक्स करने के बाद में जो सॉल्यूशन आता है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन आता है, उसकी अगर आपको पीएच कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करोगे। वो अपन मोल कंसेप्ट में डिस्कस करा था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट NR इक्वल्स टू N1V1 प्लस अपने पास क्या आ जाता है, N2V2 अपॉन आपके पास क्या आ जाता है, V1 प्लस V2। तो पहले रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करेंगे। ये जो नॉर्मेलिटी होगी वो आपके पास क्या होगी, H+ आयन की कंसंट्रेशन होगी। इस H+ आयन की कंसंट्रेशन का
अपन जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ पुट करेंगे, इस फॉर्मुले में पुट करेंगे तो अपने पास सॉल्यूशन की क्या आ जाएगी, पीएच आ जाएगी। मीन्स अगर यू कहते हैं कि 0.1 NHCl है और 0.5 NHCl है, दोनों के वॉल्यूम को अगर आप दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करते हो तो मिक्स करने पर रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी पीएच क्या होगी, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन की पहले नॉर्मलिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे वही उसकी H प्लस एन की कंसेंट्रेशन हो जाएगी और वो उससे अपन क्या कर लेंगे पीएच कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तो जनरली कोई आपके पास एसिड आ गया, कोई आपके पास बेस आ गया तो उसकी पीएच या पीओएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। अब अपने पास कोई सॉल्ट आ गया, ऐसा सॉल्ट दे दिया कि NaCl की पीएच कैलकुलेट करो, तो वो अपने को पता है कि 7 होती है। आपको कह दिया NaNO3 की बताओ, तो वो भी अपने को पता है 7 होती है, बिकॉज वो जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट है जिसकी पीएच हमेशा क्या रहती है 7 रहती है। अब आपके पास में एक ऐसा सॉल्ट आ गया जो इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, लाइक आपके पास आ गया NH4Cl, कि NH4Cl की पीएच कैलकुलेट करनी है, तो वो 7 से हमेशा क्या रहेगी आपके पास कम होगी, पर एग्जैक्ट वैल्यू अपने को नहीं पता है और ना अपन उस फॉर्मूले से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो अपने को किस किस फॉर्मूले से इसकी पीएच आएगी, आपके पास कोई सॉल्यूशन आ गया लाइक CH3COONa कि इसकी आप पीएच कैलकुलेट करो, आपके पास सॉल्यूशन आ गया CH3COONH4 इसकी आप पीएच कैलकुलेट करो, तो इन तीन टाइप के सॉल्यूशन की या तीन टाइप के सॉल्ट की पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्या फॉर्मूला आता है। मेन अपने को तो कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, फॉर्मूले पे करना है, बट कैसे वो फॉर्मूला आया यानी क्या डेरिवेशन लगाई अपन ने, क्या रिलेशन है जिसके कारण से अपन इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं, तो वो भी साथ में आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पीएच ऑफ सॉल्ट कैसे देखी जाती है, और उससे पहले अपन देखेंगे कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस कॉन्स्टेंट क्या होता है। अपन पीछे जो आयनिक इक्विलिब्रियम देख रहे थे, केमिकल इक्विलिब्रियम देख रहे थे, उसमें अपन देख रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, यहाँ पे दो टर्म आती है अपने पास, एक तो आती है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इसको डिनोट करते हैं एच से, और एक अपने पास आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कॉन्स्टेंट, हाइड्रोलाइसिस कॉन्स्टेंट, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, KH। देखिएगा कैसे क्या एच होता है, क्या आपके पास KH होता है। आपके पास कोई भी सॉल्ट आ गया AB, इसका आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे यानी कि H2O के साथ रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे जो H2O हमेशा क्या रहेगा, एक्सिस में रहेगा, तो AB की रिएक्शन आप H2O से कराओगे तो करवाने पे आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा HA प्लस आपके पास क्या आएगा BOH, यानी कि एक तो अपने पास क्या आएगा एसिड और एक अपने पास क्या आएगा अपने को पता है बेस आएगा। ठीक है, H2O आपने क्या लिया है एक्सेस, इनिशियल मोल देखते हो तो इसके मान लीजिए कि अपने पास कितने मोल है 1, इसके कितने मोल है 0, इसके कितने मोल है 0। एट इक्विलिब्रियम देखें अगर, तो इक्विलिब्रियम पे इसके जो आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ना कह के अपन उसको क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो पहले अपन देखा करते थे कि कोई भी आपके पास एसिड है वो डिसोशिएट हो रहा है अपने कैटायन और एनायन में, तो वहां पे अपन अल्फा यूज करते थे, ये भी अल्फा और ये भी आपके पास क्या था अल्फा, तो उसको अपन कहते थे डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। यहाँ पे अब आप क्या करवा रहे हो, सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, तो इसको अपन क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, जिसको अपन एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मोल्स कितने रिमेनिंग होंगे, यहाँ पे आपके पास मोल्स आ जाएंगे 1 - H। अगर आपके पास वॉल्यूम V हो, वॉल्यूम इक्वल्स टू V, तो कंसेंट्रेशन क्या होगी, कि कंसेंट्रेशन हमेशा क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, कंसेंट्रेशन क्या होता है आपके पास मोल अपॉन वॉल्यूम, कंसेंट्रेशन क्या होता है आपके पास मोल अपॉन वॉल्यूम। भैया पहले इनिशियल मोल ये थे, अब इसके एच ए के कितने मोल आ गए आपके पास स्मॉल एच, बी ओ एच के कितने मोल आ गए आपके पास स्मॉल एच, इसमें से कितने माइनस होंगे आपके पास एच, तो इसके इक्विलिब्रियम पे मोल कितने रह गए 1 - H, इसके कितने मोल आ गए इक्विलिब्रियम पे एच और इसके कितने मोल आ गए इक्विलिब्रियम पे एच। तो वॉल्यूम अगर आपके पास वी हो तो अपने को पता है कि दैट कंसेंट्रेशन क्या होती है, कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, तो 1 - H/V आ जाएगा, यहाँ पे H/V आ जाएगा, यहाँ पे H/V आ जाएगा। वॉल्यूम और कंसेंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वी इक्वल्स टू 1/C भी कह सकते हैं या सी इक्वल्स टू आप क्या कह सकते हो 1/V भी कह सकते हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा
सी वन माइनस एच, यहाँ क्या आ जाएगा सी एच, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास सी एच। अब जब कांस्टेंट की बात करते हैं पूरे चैप्टर में, तो अपने को एक ही बात पता है कि कांस्टेंट का मींस क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मींस दैट कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन क्या आ जाता है अपने पास कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। अब आप हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये के एच आ जाएगा, और इस के एच को अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कॉन्स्टेंट, हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट कहते हैं। तो इस के एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, ये दोनों आपके पास क्या प्रोडक्ट, तो सी एच इंटू आपके पास सी एच अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा सी वन माइनस एच। सर एच टू ओ को नहीं लेंगे, एच टू ओ को नहीं लेंगे बिकॉज एच टू ओ आपके पास क्या है एक्सेस में। सर इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्सेस में, तो देखिएगा एच टू ओ के यू मान लीजिए कि अपने पास 100 मोल्स है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते समय इसके कोई 0.1 मोल्स ही यूज में हुए हैं या 0.01 मोल्स ही यूज में हुए, मीन्स एच टू ओ की कंसेंट्रेशन में कोई मेजरेबल चेंज नहीं आया है। जितने इनिशियल मोल आपने एच टू ओ के लिए थे उतने के उतने मोल्स आपके पास रिमेनिंग है एट इक्विलिब्रियम, तो इसके कारण से अपन एच टू ओ को वहां पर कंसिडर नहीं करते। तो अपने पास के एच क्या आ जाता है सी एच इंटू सी एच, यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन अपने पास क्या आ जाता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इस के एच को अपन क्या कहते हैं हाइड्रोलाइसिस कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो इस हाइड्रोलाइसिस कॉन्स्टेंट से, इस डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस से ही अपन क्या करते हैं कि कोई भी आपके पास सॉल्ट हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट को छोड़ के जितने भी तीन टाइप के सॉल्ट है उसकी पीएच का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। H2O को क्यों नहीं लेते, बिकॉज ये एक्सिस में प्रेजेंट है, इसके मोल्स में एट इक्विलिब्रियम कोई मेजरेबल चेंज नहीं आता है। अगर आपने 100 मोल्स लिए हैं तो 0.01 मोल्स ही क्या है रिएक्टेंट रिएक्शन में यूज हो रहे हैं, तो अगर आप 100 में से 0.01 मोल्स माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेट वो कितना रहेगा, 100 ही रहेगा। तो इसके कारण से H2O की कंसेंट्रेशन को वहां पर नहीं लिखते, ओके। समझ आ गया तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। पीएच ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, इसका आपके पास पीएच कैलकुलेट कर। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ आएगा। दैट NH4Cl प्लस आप हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हो, मीन्स H2O के साथ रिएक्शन कराओगे, तो NH4Cl की रिएक्शन अगर आप H2O के साथ करवाते हो तो अपने पास क्या आता है, एक तो NH4OH आता है प्लस अपने पास क्या आता है एक HCl आता है। इसको थोड़ा एक और फॉर्म में लिखते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं दैट NH4 प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H2O, क्योंकि जो वीक वाला पोर्शन है अपने को वही लेना है, स्ट्रॉन्ग वाले पोर्शन से कोई मतलब नहीं है। H प्लस और प्लस अपने पास Cl माइनस, इस Cl माइनस से इस Cl माइनस को अपन कैंसिल आउट कर देते हैं कि Cl माइनस का कोई रोल नहीं होता है। जो ये H प्लस है, इस H प्लस के कारण ही जो सॉल्यूशन आपके पास रहेगा वो कौन सी नेचर का होगा, वो सर एसिडिक नेचर का होगा, बिकॉज H प्लस आयन प्रेजेंट होंगे तो ही सॉल्यूशन क्या होता है एसिडिक होता है। और मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है वो हमेशा कौन सी नेचर का रहेगा, एसिडिक नेचर का है। तो NH4+ H2O NH4OH H+ और आपके पास Cl- से Cl- कैंसिल आउट कर दिया। मैंने कहा इसके लिए KH लिख लो बेटा जी पहले, तो KH क्या आएगा, KH आप लिखोगे तो KH से पहले कुछ और देख लेते हैं, जो कैंसिल आउट करें उसके अलावा जो जो आपके पास रहे हैं रिमेनिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसकी बात करेंगे। H2O NH4OH प्लस आपके पास क्या आ गया H प्लस, ठीक है। मैंने कहा टी इक्वल्स टू जीरो सेकंड है मेरे पास, तो इसके कितने मोल्स आप कंसीडर करोगे वन, इसके कितने मोल्स जीरो, इसके कितने मोल्स जीरो। मैंने कहा इक्विलिब्रियम पे बात कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम पे इसके कितने आएंगे H और ये भी आपके पास कितने होंगे H, इक्विलिब्रियम पे इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H, इसकी भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H,
और इसकी कितनी आएगी आपके पास, 1 माइनस एच। मैंने कहा कंसेंट्रेशन क्या होगी इक्विलिब्रियम पे, कंसेंट्रेशन अपने को पता है क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम होती है, जिसको अपन यूं भी लिख सकते हैं सी वन माइनस एच सी एच एंड सी एच। मैंने कहा इसके लिए के एच लिख लेते हैं, तो के एच क्या होगा इसका, के एच इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ एन एच फोर ओ एच कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। सर H2O को नहीं लिया, मैंने कहा नहीं लेंगे भैया H2O को, अपन H2O की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, NH4OH आपके पास उसकी वैल्यू कितनी है CH, H प्लस की वैल्यू कितनी है आपके पास CH, और NH4 प्लस की कितनी है सी वन माइनस एच। तो KH अपने पास क्या आ जाएगा, देख KH इक्वल्स टू CH मल्टीप्लाई बाई CH अपॉन सी वन माइनस एच। C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, KH इक्वल्स टू क्या रहेगा आपके पास CH स्क्वायर अपॉन वन माइनस एच। H इज लेस देन वन, कि H की वैल्यू यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस वन से बहुत कम है, यानी कि वन में से अगर H को माइनस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली अपने पास कितना रहेगा, वन ही रहेगा। तो KH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास CH स्क्वायर, और H इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास रूट में KH अपॉन C। ये इक्वेशन सेकंड आ गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी कोई आपको क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है, तो उसको डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या आएगा, रूट में KH अपॉन C। KH गिवन होगा, C गिवन होगा, तो आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका क्या था KH, ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है, और ये आपके पास क्या आ गया इसका एच आ गया, एच की वैल्यू क्या आ गई रूट के एच अपॉन सी आ गई, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दैट रिलेशन बिटवीन के डब्ल्यू के एच एंड के बी। सर आपने के बी क्यों लिखा है, के बी मैंने इसके लिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक वीक बेस है, और वीक बेस जो है वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, और उसकी डिसोशिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी बहुत जरूरी है। तो NH4OH की बात करें तो जो NH4OH है वो किसमें डिसोशिएट होगा फर्दर, वो डिसोशिएट होगा आपके पास NH4 प्लस, और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा OH माइनस। और इसके लिए अगर आप के बी कैलकुलेट करोगे तो के बी क्या हो जाएगा, देख कंसेंट्रेशन ऑफ एनएच फोर प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ एनएच फोर ओएच, ये अपने पास इसके लिए क्या आ गया के बी आ गया। पहले अपन ने क्या करा, हाइड्रोलाइसिस करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवाने पर अपने पास क्या मिला, एक तो वीक बेस मिला और स्ट्रॉन्ग एसिड मिला। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में, और ये H प्लस आयन है रिस्पॉन्सिबल होता है कि सॉल्यूशन आपके पास कौन सा हो एसिडिक। अब NH4OH Kb क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है, वीक बेस मिलता है। अब जो वीक बेस आपको मिला है वो कितना डिसोशिएट होगा तो वो कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे Kb की वैल्यू कैलकुलेट करें। Kb क्या आ जाएगा आपके पास, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NH4OH को डिसोशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एक तो NH4 प्लस मिलेगा साथ में OH माइनस आयन मिलेगा। तो ये तो हो गया आपके पास प्रोडक्ट, ये आपके पास हो गया रिएक्टेंट, तो ये हो गया कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन आपके पास क्या होएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होएगा। ओके अब देखिएगा, बात करें अपन KW की, मैंने कल बताया था कि KW क्या होता है, ये होता है आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर होता है KW। KW की जो वैल्यू है वो क्या आती है, अपने पास हमेशा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को आप क्या कहते हो, KW। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ, और इसको मैं क्या कह देता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। KW इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। अब एक छोटा सा काम करना है अपने को कि इक्वेशन 4 में से 3 को डिवाइड करना है। 4 में से 3 को डिवाइड करोगे मींस कि KW अपॉन आप क्या करोगे KB इक्वल्स टू क्या आएगा आपके पास, फोर्थ इक्वेशन कौन सी है, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन
कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन अपॉन क्या रहेगा अपने पास, Kb की वैल्यू क्या आ रही है, कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 OH, ये अपने पास Kb की वैल्यू आ गई। पहले Kw की वैल्यू रखेंगे, Kw की वैल्यू कितनी आ रही है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन। फिर Kb की वैल्यू रखेंगे, Kb की वैल्यू कितनी आ रही है, कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ये रख दिया। अपॉन में आपके पास NH4 OH है, तो अगर इसके अपॉन में होगी तो वो कहां चले जाएगी, आपके पास ऊपर चले जाएगी। अब OH माइनस से OH माइनस कैंसिल आउट कर दो, तो अपने पास Kw अपॉन Kb की वैल्यू क्या आ जाती है, Kw अपॉन Kb इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 OH कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस, ये अपने पास Kw अपॉन Kb की वैल्यू आती है। इक्वेशन फर्स्ट में आ जाओ, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 OH कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। अगर मैं यहाँ पे जो NH4 OH H प्लस और NH4 प्लस की जगह अगर मैं यहाँ पे यूं लिख देता हूँ दैट Kw अपॉन Kb इक्वल्स टू क्या होता है KH, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या, इसको इक्वेशन कौन सी दे देते हैं अपन, फिफ्थ दे देते हैं, Kw अपॉन Kb इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा, KH आ जाएगा। कि सर KH कैसे आया, बिकॉज मैंने जब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करा, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करा, मीन Kw में Kb का डिवाइड करा, Kw की वैल्यू कितनी थी, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, H प्लस और OH माइनस आयन। Kb की वैल्यू कितनी थी, NH4 प्लस की कंसेंट्रेशन OH माइनस की कंसेंट्रेशन अपॉन NH4 OH की कंसेंट्रेशन, इसकी वैल्यू को पुट करा, OH माइनस से OH माइनस कैंसिल आउट हो गया, Kw अपॉन Kb कितना आ गया, कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 OH कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। इक्वेशन फर्स्ट में आ जाएंगे तो इसी को अपन KH कहते हैं, तो KH की वैल्यू क्या आएगी, Kw अपॉन Kb। तो देखो किसी भी आपके पास कोई भी सॉल्ट ऐसा आ जाए जिसमें एसिड स्ट्रॉन्ग हो वीक बेस हो, उसके लिए अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैलकुलेट करना हो तो एच की वैल्यू क्या आएगी, रूट KH अपॉन C। अगर आपको हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो उसकी वैल्यू आप क्या आएगी, Kw अपॉन Kb, और Kw अपने को पता है हमेशा कितना होता है, 10^-14, ये किसकी वैल्यू होती है, Kw की वैल्यू होती है। अब देखिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट, मैं अगर इक्वेशन 5 से KH की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देता हूं तो H का मेरे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा कि H इक्वल्स टू मेरे पास क्या होगा, Kw अपॉन Kb इनटू क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन कौन सी आ गई अपने पास, 6। H का फॉर्मूला क्या था, रूट में KH अपॉन C, H इक्वल्स टू क्या था, रूट में KH अपॉन C, KH क्या था मेरे पास, Kw अपॉन Kb, तो Kw अपॉन Kb को मैं यहाँ उठा के पटक देता हूँ तो H इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट Kw अपॉन Kb इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का एक और फॉर्मूला, सर अब pH कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH इक्वल्स टू माइनस log बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये pH का फॉर्मूला होता है, ये रही कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, वैल्यू कितनी है इसकी, CH है, H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन की वैल्यू कितनी थी, CH थी, है ना, इक्वेशन मैंने हटा दी, शायद आपको याद होगा कि H प्लस आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो किसके इक्वल है, CH के, ये रही H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन, यहाँ आपने वैल्यू रख रखी है वो कितनी है, CH, तो C मल्टीप्लाई बाय आप क्या करोगे, H, H की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, कि H की वैल्यू आ रही है Kw अपॉन Kb इंटू C, तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन C मल्टीप्लाई बाय Kw अपॉन Kb इंटू आपके पास क्या आएगा, C, इस C से ये C कैंसिल आउट कर देता हूँ रूट C टाइम, तो मेरे पास H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई, कि H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन रूट में Kw अपॉन Kb मल्टीप्लाई बाय ऊपर क्या रह जाएगा, C रह जाएगा, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कितनी आ गई, रूट में Kw इंटू C अपॉन आपके पास क्या आ गया, Kb आ गया। तो ये आपके पास H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन आ गई,
इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको दिक्कत नहीं हो, दैट एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी की पावर 1/2। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। पीएच का फॉर्मूला ये रहा कि पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस आयन, तो ये वैल्यू जो है के एच प्लस आयन की यहाँ पुट कर दीजिए, पीएच इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास माइनस log base 10 kw into c upon kb upon आपके पास सॉरी पावर आपके पास 1/2। कल log सॉल्व करना सीखा था और उम्मीद करता हूं आज तक भूले नहीं होंगे। ph जो है पावर हमेशा क्या आ जाती है, आगे आ जाएगी पावर, आगे आ जाएगी 1/2 माइनस का आपके पास log base 10 kw इंटू सी अपॉन आपके पास क्या है के बी। अब हर एक में डिवाइड मल्टीप्लाई करते चलना है। पी एच इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट माइनस लॉग बेस 10 के डब्ल्यू माइनस लॉग बेस 10 सी। अब ये देखो के बी है, के बी अभी अपने पास डिवाइड में, अपन उसको ऊपर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस। तो अपन मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि प्लस लॉग बेस 10 के बी के। सर प्लस क्यों लिखा, एक तो के बी नीचे था तो ऊपर लेके आऊंगा तो किसमें हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाता है अपने पास प्लस हो जाता है। अब एक बात और कि कल सीखा था कि सर कल की बात है, लॉग बेस 10 के डब्ल्यू ये किसके इक्वल होता है, ये पी के डब्ल्यू के माइनस लॉग बेस 10 सी। अब देखिएगा कि अगर मेरे पास ये होता माइनस लॉग बेस 10 के बी तो इसको मैं क्या लिखता कि सर इसको आप लिखते पी के बी। माइनस लॉग बेस 10 के बी जो है वो इक्वल होता है किसके, पी के बी के। अगर ये प्लस में हो जाएगा तो इसको मैं किस में लिखूंगा, माइनस में लिखूंगा। ये प्लस में अपने पास, इसको मैं किस में लिखूंगा माइनस में, तो माइनस मेरे पास क्या आ जाएगा आपके पास पी के बी आ जाएगा और ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा किसका पी एच। ये अपने पास पीएच का फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का अगर आपको फॉर्मूला कैलकुलेट सॉरी पीएच कैलकुलेट करनी हो तो 1/2 पीकेडब्ल्यू माइनस लॉग बेस 10 सी माइनस आपके पास क्या आ गया पीके बी। पीकेडब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है ये अपन ने कल देखी थी कि माइनस लॉग बेस 10 केडब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है पीकेडब्ल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होती है 10^-14 आगे लॉग है तो पावर आगे आ जाएगी तो पी के डब्ल्यू हमेशा कितना होता है 14। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे 14 माइनस लॉग बेस 10 सी माइनस आपके पास क्या आ जाएगा पी के बी आ जाएगा। और ऐसे क्या कैलकुलेट करते हैं अपन पी एच की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि सर एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दीजिए। तो एच प्लस आयन की कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या आया था अपने पास के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं kw into c upon kb की पावर हाफ। पीएच कैलकुलेट करनी है, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है माइनस लॉग बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, तो पीएच इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस का लॉग बेस 10 kw into c upon kb, आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे पावर आ जाएगी हाफ। ठीक है ना, लॉग जब भी सॉल्व करते हैं कल मैंने बताया था लॉग बेस 10 x की पावर n हो तो n आपके पास पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो पीएच इक्वल्स टू क्या आएगा 1/2 माइनस लॉग बेस 10 के डब्ल्यू इंटू सी अपॉन के बी। यानी कि लॉग बेस 10 को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी मल्टीप्लाई करोगे और इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग बेस 10 के डब्ल्यू, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग बेस 10 सी और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि के बी पहले नीचे था, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो पी एच इक्वल्स टू क्या आएगा 1/2 पी के डब्ल्यू माइनस लॉग बेस 10 सी माइनस आपके पास पी के बी। पी के डब्ल्यू की वैल्यू अपने पास कितनी होती है 14 होती है, तो 1/2 14 माइनस लॉग बेस 10 सी माइनस आपके पास क्या आ जाएगा पी के बी। पी के बी की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, नहीं गिवन होगी तो के बी की वैल्यू गिवन होगी, तो अपन पी के बी की वैल्यू कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो ये अपने पास पी एच हो गई सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्टूडेंट्स तो फिर नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे पीएच ऑफ
salt of weak acid and strong base, and weak base and weak acid. Okay, मिलते हैं 10 मिनट बाद नेक्स्ट क्लास में.